हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दहिसर मोरी के पास स्थित ठाकुरपाड़ा में आज सुबह आग लग गई। ये आग सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास में लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। ऊंची ऊंची धुएं और आग की लपटें उठ रही हैं। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद काफ़ी देर तक दमकल विभाग को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी। ऐसी जानकारी मिली है और वजह भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आग लगने जैसी घटना पर भी शिवसेना और एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता दमकल की गाड़ियां बुलाने को लेकर श्रेय लेने की होड़ में लगे रहे। मगर वहीं आग से 3 गोदाम जलकर राख हो गए हैं। ये गोदाम भंगार के थे। इनमें वायर के अंदर जो एल्युमिनियम होती है वो इसमें जलाकर निकाला जाता था। दमकल की गाड़ियाँ आग बुझाने में लगी रही। करीब 8 टैंकर पानी आग बुझाने में लगा। मगर वहीं दमकल की गाड़ियां बुलाने और पानी के टैंकर मंगवाने और पैसे देने को लेकर एनसीपी और शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता श्रेय लेने की होड़ में लगे रहे। वो भी आग लगने जैसी घटना पर जहां सब कुछ जलकर राख हो गया था और पैसे भी उसी आदमी ने भरा, 10,000 रुपये जिसके गोदाम में आग लगी थी। बहरहाल दहिसर मोरी स्थित ठाकुरपाड़ा इलाके में ये आग लगने की घटना हुई। आग कैसे लगी इसकी सही पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई कि किस कारण से आग लगी थी। बहरहाल यहाँ राजनीति जरूर हुई है। सुनिए, देखिए ऐसा है ना, 15 अगस्त के दिन हमारी ओपनिंग हुई थी। आज हमारी ओपनिंग होकर 4-5 महीना हुआ है। 15 अगस्त के दिन हमने अपना पाँव रखा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 14 गाँव की मैं महिला अध्यक्ष हूँ, ठीक है। हमने जब से हमारा काम शुरू हुआ था, उससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। 7 साल से यहाँ पे लोग काम कर रहे थे मगर कुछ नहीं होता था। फिर भी अभी लोगों का कहना यही है कि हमारे आने से काम हो रहा है, हमको वो सबसे भी मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे भी स्पॉट पे भी कब से आग लगी हुई थी मगर कोई व्यवस्था नहीं थी। चाहिए तो आप यहाँ सभी लोगों से पूछ सकते। हमारे आने के बाद हमने यहाँ पे फोन किया, फायर ब्रिगेड आई और अभी भी 2 टैंकर की और जरूरत है पानी की, उसके लिए भी हमने फोन किया, वो टैंकर वाला आएगा। क्योंकि हम अभी ये सिचुएशन में उसको नहीं बोल सकते कि तुम पे करो तुम पे करो तुम पे करो। हमसे जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। उसके बाद शो ऑफ करने के लिए वो बोलते हैं ना, मेडल लेने के लिए सब खड़े हो जाते हैं कि ये काम हमने कराया था, ये काम हमने कराया था, ये काम। ये शो ऑफ और मेडल का काम नहीं है। ये अभी यहाँ जरूरत है ये कि ये बुझ जाए आग, ठीक है। उससे इसको कोई बड़ा नहीं है, लोगों को नुकसान नहीं है, हम ये सोच रहे। मगर यहाँ सब अपना मेडल लेने के लिए खाली खड़े रहते। और ये ठाकुरपाड़ा ऐसा है, हम सुधार है और हर चीज धीरे धीरे ही सुधरती है। मैडम क्या कहेंगे, ये अपना फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा जो है ये बताया जाता है कि कल्याण फाटा और सील फाटा पे फायर ब्रिगेड होने के बाद भी और मुमरा में फायर ब्रिगेड होने के बाद भी सील फाटा और मुमरा के लोग यहाँ नहीं आते हैं। इनका कहना यह कि हमें जो है ज्यादातर कलमबोली से लाना पड़ता है। हमने अभी भी कलमबोली से ही मंगाया है। मैडम आखिर करीब में सील फाटा है, वहाँ से क्यों नहीं आते? अब वो हमको नहीं पता वो क्यों नहीं आते, क्यों ये ठाकुरपाड़ा पे ध्यान नहीं देते, हम उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सकते। अभी हमारे बारे में जीवन सेठ से बात की फोन पे कि उनको यहाँ आना चाहिए था, तो अभी अभी पता चला है कि वो नगर पालिका में इस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने फोन करके 2 टैंकर भिजवाए, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि ठाकुरपाड़ा वालों को फोन करना पड़ रहा है? क्या प्रशासन यहाँ लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहा है? सिर्फ यहाँ राजनीति खेली जाएगी। प्रशासन यहाँ पे 7 साल से कोई परवाह नहीं थी। हमारे आने के बाद ही हमारे नुकसान हो रहा है। हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ, हमारा तुम्हारा नहीं। जो काम कर रहा है उनको तो ढंग से काम करने दो। तुम शो ऑफ करके मेडल लेके कोई मतलब नहीं है। हमको ठाकुरपाड़ा सुधारना है ये दिमाग में बिठा के चलो। मेडल लेने के लिए मत काम करो, समझे। यहाँ पे काफी लोग मुझे जानते भी नहीं है, आज शायद जान जाते होंगे। हम जब से आए हैं जब से ही हमने अपना काम शुरू किया है और हमको शो ऑफ करने की कोई आदत नहीं है, कोई वो नहीं। हमारे फोन पे और वो जीवन वालेकर जी ने उनने फटाक से वहां से कलम बोली से वो भी आई और उसके बाद में यहाँ पे अभी और 2 पानी का टैंकर कम पड़ा, वो भी टैंकर आया।
पिछली जगह जाए ना, स्थानीय लोगों का यहाँ पे भरपूर मदद मिला अपने को। और दूसरी बात, जिसके गोडाउन में अंगार लगी और जिसके गोडाउन में लगी वो खुद फोन किया, सुंदर भाई अपने शिवसेना के गट प्रमुख है, उन लोगों ने उन्होंने फोन किया, भरपूर उन्होंने फोन करके बुलाया, फायर ब्रिगेड वाले को मैं फोन किया बुलाया, ऐसा कुछ इसमें राजनीति नहीं, इसमें राजनीति किसी के घर पे नुकसान हो रहा है उसमें राजनीति नहीं खेलने की, अपने राजनीति खेल के क्या मतलब है उसमें। जैसे कि आग पे काबू पाने के लिए एक टैंकर का बताया जा रहा है कि एक टैंकर नहीं लगेगा, 10 टैंकर लगेगा, तो आप लोगों ने पानी का टैंकर मंगाने के लिए क्या किया? हम लोगों ने पानी के टैंकर मंगाने के लिए हम लोगों ने उनको बोला, उनका जो चार्ज लगता है हम लोग चार्ज देने के लिए तैयार है, मगर वो आग बुझाओ और आजू बाजू वालों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपने फोन किया? फोन किया हम लोगों ने, फोन किए और फोन करने के बाद वो टैंकर आई, एक टैंकर आया, अभी 8 टैंकर का हम लोगों ने पैसा भरने के लिए भेजा है, उन्होंने बोला वहाँ पैसा भरो, वहाँ से एक आदमी अपना रुका उधर और वहाँ पैसा जमा, जितनी गाड़ी आएगी उतने गाड़ी का चार्ज। अभी हमने एनसीपी के अध्यक्ष, यहाँ के 14 गांव के एनसीपी अध्यक्ष जीवन सेठ से अभी हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी 2 टैंकर भेजा हूँ यहाँ पे, नहीं आया, अभी आ रहा है, अभी जस्ट हमने 2 मिनट हुआ है उनसे बात की है, तो उन्होंने बोला मैंने पहले 1 टैंकर भेजा हूँ, अभी 2 और जरूरत है, मैं और 2 टैंकर भेजा हूँ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप नहीं आया? नहीं, टैंकर आ रही है, टंकर एक्चुअली कैसा, अभी वहाँ पे हम लोग ने अपने बंदे भेजे हैं, वहाँ पे वो गए, वहाँ पे पैसा भर रहे हैं, वहाँ से जितना भी टंकर लगेगा वो आएगा।